केंद्रीय अध्यापक परीक्षा सीटीईटी रविवार को गोरखपुर शहर के 112 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें लगभग 80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया। सीटीईटी परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई। प्राथमिक स्तर की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा उच्च स्तर की दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चली। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा देने के लिए शहर में आसपास के जिलों के लगभग 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर थोड़ा टफ लेकिन सरल रहा। कहीं कहीं मैथ और जनरल अवेयरनेस की वजह से प्रश्न चुनौतीपूर्ण लगे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीटीईटी अभ्यर्थियों कमलेश मिश्रा, विकास मोहन राव, रंजिता कुमारी, मनीषा चौरसिया, सत्यम, नीतू यादव ने कहा। कमलेश्वर मिश्रा का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, पेपर अच्छा हुआ है। इंग्लिश और हिंदी के जो प्रश्नों का स्तर था वो थोड़ा ऊंचा था, बहुत अच्छा रहा। सीटेट विकास गोविंद राव, टेट का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम अच्छा हुआ। बस इंग्लिश और पेडागॉजी, इंग्लिश की जो पेडागॉजी थी वो थोड़ी हार्ड थी जी। परवीन का अच्छा पेपर हुआ है, सीटेट का पेपर था। नीतू यादव, एग्ज़ाम अच्छा रहा और मैथ के पेपर अच्छे हुए, बाकी इंग्लिश थोड़ा सा कठिन था। सत्यम नाम है मेरा जी। सीटेट की परीक्षा थी, पेपर ठीक हुआ है जी। देखिए, गणित का जो सेगमेंट था वो आसान था, अंग्रेजी का जो हमारा चूँकि ऑप्शनल विषय था तो उसके पैसे थोड़े से कठिन लगे, बाकी पेपर ठीक ठाक था जी। रंजीता कुमारी था, बढ़िया आया। कौन सा सब्जेक्ट आपको बढ़िया था? मेरा हिंदी था, बाल विकास था और इंग्लिश था, मैथ था। ओ थैंक यू। मनीषा चौरसिया, पेपर ठीक हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम था, इंग्लिश।